सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ परविंदर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एनपी ग्रुप। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। लाइक रिसेंटली मुझे टेलीग्राम पे एक लड़की का जो मैसेज आया, उन्होंने बोला कि सर आपको जो है इस तरह से अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, डेट सर आपको जो है इस तरह से अपनी वीडियोस बनानी चाहिए। तो मैंने वो लिंक खोला तो लिंक में जो काफ़ी अजीब से क्वेश्चन थे। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने बोला मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं क्या, अच्छा। तो गाइज अब ऐसा है कि बहुत से लोग जो होंगे आप में से, जो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एक जो चैनल्स पे जाते होंगे और आप वीडियोस भी देखते होंगे, तो मैंने उस टेलीग्राम चैनल पे जब उनका देखा मैंने लिंक, तो मैंने जब वीडियो खोली यूट्यूब पे, तो उस पर मुझे ऐसे क्वेश्चन मिले लाइक सबसे बड़ा कोल रिज़र्व कहाँ है एंड सबसे बड़ा जो है डैम कहाँ पे बना है चाइना पे, देन जो है कोविन ऐप किस नेशन ने कौन सी है। तो मैंने उससे पूछा आप इस तरह के चैनल क्यों देख रहे हैं, बोलती क्यों, मैं क्या तुम एस्पिरेंट यूपीएससी की कर रहे हो, तो फिर वो बोलते कि सर मैं यूपीएससी, मैं क्या अपना सिलेबस तो जान लो। तो गाइज आपसे भी यही से भी रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल देखिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो अपना जो सिलेबस है वो अपने माइंड पर रखिए और फिर अपने चैनल्स को जो देखिए कि वो क्या नॉलेज दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी का बोल के जो है टैट की तैयारी कर रहे हो। सो लाइक मैं अपने चैनल में नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल सही है, बट जो भी मैं आपको आर्टिकल्स देता हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड होते हैं और मैं किसी भी है जो है न्यूज़पेपर में नहीं जाता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा, मैंने पर्सनली एक साल तक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लैंग्वेज सबसे जो है ईजी है और आराम से अंडरस्टूडेबल है। तो साथ ही में जो है उसके जो मेंस के टॉपिक में आते हैं वो भी मैं कवर करता हूँ। सो अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे भी वही सब है जो औरों के चैनल पे है, तो मैं आपको डेयर करता हूँ कि आप एक दिन के लिए मेरे चैनल की वीडियोस वॉच करिए और फिर मुझे बताना कि क्या मेरे टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी के लिए मेंट के लिए हैं या किसी भी अदर लाइक टैट वगैरह के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए या इसके लिए है। तो अगर आपने ये जो है चैलेंज पूरा कर दिया तो मैं आपको विद इन 1 आवर आप मेरे को कमेंट कर देना टेलीग्राम पे या आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करना, तो विद इन 1 आवर मैं अपना चैनल क्लोज कर दूंगा अगर किसी ने मेरे को ये बोला कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के रिलेटेड नहीं है और ना ही यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो चलो ये तो हो गई बातें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि लाइक अभी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है, ठीक है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 2 तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, तो वो कहाँ पे बन रहा है, ये करंट अफेयर्स हैं छोटे से, तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो केरला में बन रहा है, तो केरला इसका जो राइट आंसर है। सो इसके बारे में वो डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिपिंग मिनिस्टर लॉन्च कॉरिडोर, मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरे सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ, तो ये आर्टिकल्स जो जितने भी है मैंने ये अभी जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं ये सब वहीं से है, विद मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस का लोगो आपको ऊपर शो होगा। तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है रिसेंटली कॉरिडोर फ्रॉम कोची पोर्ट टू इम्प्रूव द कोस्टल कनेक्टिविटी, सिंपली कोस्टल कनेक्टिविटी के लिए है। तो बाकी जो है आप यहाँ का पूरा पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर वेल्स से जो है इन्होंने जो है ग्रीन फोर्नर कॉरिडोर 2 लॉन्च किया है, कोची 2 बाय पोर देन अजीकाल पोर्ट है जो कि नॉर्थ ऑफ केरला में है। तो ये सिंपली किस लिए है, इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड सिनर्जिक बिटवीन द मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, तो ये है सिंपली आप इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच कंट्री हैज़ पास द होलोकोस्टा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द होलोकोस्ट प्रॉपर्टी बिल, तो उसका जो सही आंसर है वो है पोलैंड। आपने किसी को देख भी लिया होगा पोलैंड का फ्लैग भी पहना हुआ पीछे लड़की ने, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस की अगेन न्यूज़ है। तो एक्सप्लेन करते हैं, वाई पोलैंड इज़ बैकिंग लॉ डैट मेक द टफ ज्यूज टू रिक्लेम द स्टोलन प्रॉपर्टी। एक्चुअली जो ये है, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो प्रॉपर्टीज़ जो है जो चुराई गई थी जो नाजीज और उनके बीच में पोलैंड के बीच में, तो ये उनको जो आप प्रोहिबिट करता है कि अब वो प्रॉपर्टीज़ वापस नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया होगा उन्होंने चेक करता है ये प्रॉपर्टीज़, तो ये है विद अ क्रिटिसाइज, इसको इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने दोनों ने क्रिटिसाइज़ किया है बाय सेइंग इट वुड मेक द हार्डर द ज्यूज़ टू रिकवर द प्रॉपर्टी डैट वॉज सीज बाय पोलैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ज्यूज़ जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ वापस चाहता है, पर ये उसे जो है जो ये लॉ है जो ये होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल है ये उसको जो है वापस नहीं लेने देगा, इसलिए वो इसका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये पोलैंड में आया, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, विच सिटी कंडक्टेड अ सीरो सर्जन फाइंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड 19
ओवर 50% ऑफ चिल्ड्रन सिनोसर्जीज होता है, मीन्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज है किसी जो डिजीज़ को लड़ने के लिए, जो बॉडी की जो है इम्यून सिस्टम है उसके लिए बोलते हैं ये। तो ये हुआ मुंबई में, अगेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है ये। तो मुंबई 5th कोविड-19 सीरोसर्जी स्टार्टेड इन जुलाई 15। तो उसमें जो है ये सब इन्होंने जो है देखा हुआ कि जो इनका सीरोसर्जी जो है 50% के नियर अबाउट है। बगराम एयरबेस कहाँ पे है रिसेंटली, तो इसके लिए मेरे को जो मैंने मेरे को याद है बगराम के, मैंने जो है ट्यूटोरियल भी दिया था न्यूज़पेपर के लिए, जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बगराम एयरबेस टू द इंडिया। तो इसमें कैसे जो है ये तुर्की गया, उसमें कैसे तुर्की एंड पाकिस्तान जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, साथ में तालिबान का कैसे उस पर कब्ज़ा है। तो ये जो है अफगानिस्तान का केस है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब ये नाम पूछ रहा हूँ इसका नहीं, मैं अफगानिस्तान का इससे केस याद दिला रहा हूँ आपको कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक्सप्लेन है उसमें मेरा कि कहाँ से ये एयरबेस क्यों इसके नाम पे आता है, तो क्या इसका सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिया एंड द पाकिस्तान। सेकेंड मूव करते हैं, डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट ग्रीन पास, ठीक है। ये किसने निकाला, किस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, ये भी जो है उसमें आया, एक्सप्रेस में आया हुआ है। तो ये यूरोपियन नेशंस का है, ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं। एक्सप्लेन किया, न्यू वैक्सीन पासपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनको जो है अब रिसेंटली जिन इंडियंस इंडियंस ने जो है सीरम इंस्टीट्यूट किया कोविशील्ड लगवाई है वैक्सीन, उन्हें जो है यूरोपियन यूनियन जो है वैक्सीन पासपोर्ट देगा। मीन्स वो वहाँ पे आ भी गए अगर यूरोप में तो उन्हें जो क्वारंटीन रहना पड़ेगा, 14 डेज का जो टाइम होता है एज़ यूजल, तो उन्हें वो लेना पड़ेगा। साथ ही में जो है ये इसी को जो है ग्रीन पास भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। सो अब जो ये टॉपिक्स हैं ये आपके यूपीएससी मेंस के लिए, तो चाइल्ड सोल्जर रेफर टू पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज हु हैज़ बीन रिक्रूटेड बाय आर्म ग्रुप एंड रिक्रूटेड चाइल्ड बिलो 18-15 प्रोहिबिट बाय जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। रिक्रूटेड चाइल्ड सोल्जर कंसिडर्ड वॉर लाइक इन रोम स्टेटस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो ये आपको मैंने टॉपिक जो है अपने आप एक्सप्लेन में भी किया हुआ 3-4 दिन पहले, आप उस पर वीडियो चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान को यूएस ने जो है चाइल्ड रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट लिस्ट में डाल दिया है, मतलब वो गवर्नमेंट जो कि चाइल्ड को सोल्जर रिक्रूट करके अपने अगेंस्ट एनी अदर नेशन यूज़ कर रही है। तो इसके बारे में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स क्या दिए है कि चाइल्ड सोल्जर वो है जो कि बिलो 18 साल के नीचे होता है और जिसे आर्म ग्रुप्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि चाइल्ड सोल्जर, उसमें मैंने बताया उस वीडियो में आप चेक कर लेना, 18 साल से नीचे होता है। दूसरा होता है चाइल्ड सोल्जर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है एंड उसको जो है बिलो द 15 ईयर्स है उसको जो है प्रोहिबिट भी करती है, जो जेनेवा कन्वेंशन है उसको वो प्रोहिबिट करती है कि वो सोल्जर बने। तो ये दूसरी वाली भी सही है। वहीं पर अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो वो अंडर क्रिमिनल जो है रोम स्टेटस जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी है, वो भी कंसिडर करती है रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड सोल्जर की, कि इसके तहत जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत जो है ये सब नहीं होना चाहिए, वॉर क्राइम्स के लिए नहीं उनको रिक्रूट करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसमें जो है तीनों सही है स्टेटमेंट। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है वाई पाकिस्तान पुट एंड टर्की पुट द चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट लिस्ट। तो ये यूएस ने इनको डाला जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है अभी बताता हूँ यहाँ पे लिखा है बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो मैंने वो सही बताया था, चाइल्ड बिलो द 18 ईयर प्रोहिबिट बाई यूएन यूएन राइट ऑफ चाइल्ड, ये भी इसमें सही है, ठीक है। देन इसमें जो बात किया है रोम ने जो इंटरनेशनल स्टेटस है कंसीडर किया हुआ है वो भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। सो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो आगे बात करते हैं, ओहो थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, सो काइंडली मैनेज कर लेना। सो आगे बात करते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन वर अ पार्ट ऑफ अलाइड पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। देन इंडियन आर्मी वॉज लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू एंड फाइट फॉर द अलाइड फोर्सेज एज अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर। तो इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें जो है ये एक्सिस पावर की नहीं थी, एक्सिस पावर कौन से थे आपके, जो थे आपके अमेरिका, जो बाकी जब और अलाइड वो थे आपके जो यूके की कंट्री थी जर्मनी इटली वगैरह। तो इंडिया जो थी जो अलाइड की तरफ से लड़ी थी ना कि एक्सिस की तरफ से लड़ी थी, ठीक है। एक्सिस आपके यूएस गवर्नमेंट वगैरह जो थे,
इसमें फर्स्ट ओनली सही है। तो ये अब क्वेश्चन क्यों आया है, तो आपको भी याद हो कि रिसेंटली जो है जो यूके ने वहाँ पे जो है अपने कंट्री में एक इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है बनाया हुआ है, तो इटली में बेसिकली वो बना है। तो उसमें जो है अब वर्ल्ड वॉर टू में जो है इंडियन सोल्जर अप्रोक्सीमेट 3.5 या 20 लाख, हाँ ये 20 लाख दिया है, इंडियन आर्मी के नियर अबाउट 20 लाख सोल्जर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उनमें से काफ़ी जो थी कैजुअलिटीज़ भी थी, तो उनकी जो है मेमोरी में वो वहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो अलाइज पावर की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया जर्मनी, इटली एंड जापान ये थी। वहीं एलिस पावर जो थी फ्रांस, जो ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस ये सब थी, सोवियत यूनियन थी। तो सोवियत यूनियन जो थी वो तो मीडियोकर थी, वो तो न्यूट्रल थी, ना उसकी तरफ एक्ट किया था ना उस तरफ एक्ट किया था। तो द ट्रूप्स ऑफ एक्सी फायर द पार्ट ऑफ इंडियन, तो इंडियन आर्मी ने जो था इसके जिसकी तरफ से इंडियन आर्मी ने जो था, आपको मैं बता दिया कि अलाइज पावर के साथ जो था के साथ अलाइज जो इंडियन आर्मी जो थी इसमें अलाइज पावर के साथ थी, और इसने अगेंस्ट लड़ाई करी थी एक्सिस पावर के साथ। एक्सिस पावर यानी जर्मनी, इटली, जापान के साथ जो थी लड़ी थी, और यानी इटली में ही अब ये बन रहा है मेस, जो इटली की जो है जो कंट्री में ही है मेमोरियल बन रहा है उनका। तो आप ये बार देख लेना, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, अगर थोड़ा सा आपको डाउट रह गया हो तो क्लियर कर लेना काइंडली। अ रिवर नाइल ओरिजिनेट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटोरियल ऑफ इक्वेटर ऑफ ब्रूंडी, ब्रूंडी आप पढ़ लेना ये। सो नाइल रिवर फॉर्म द सो नेक्स्ट बात करते हैं, रिवर नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इक्वेटर ऑफ ब्रूंडी एंड सेकेंड रिवर नाइल फॉर्म्स द एक्वेटो डेल्टा एट इट्स एम्पटाइस इनटू द मेडिटेरेनियन सी एंड ग्रैंड इथोपिया जो आपका डैम है कंस्ट्रक्शन और रिवर ब्लू नाइल। तो इसमें से जो है ब्लू नाइल पे वो बना हुआ सबको पता है, ठीक है। देन वो डेल्टा फॉर्म करता है मेडिटेरेनियन सी, तो ये जो है ये इसमें जो है गलत है, इक्वेटर पे लाई नहीं करता, वो नॉर्थ पे लाई करता है। तो ये आप उसका मैप देखोगे, यहाँ पे जो है ग्रेट जो इथोपियन डैम बन रहा है 639 किलोमीटर का, जो कि सबसे बड़ा है। जो कि सबसे बड़ा डैम बन रहा है, तो ये उसका मैप है, सूडान, इजिप्ट एंड ये सब उसके नियर बाई कंट्रीज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक बनेगा ब्लू नाइल पे, मैंने बताया आपको बन रहा है, ठीक है। देन उसका फर्स्ट पॉइंट था तो मेडिटेरेनियन सी, तो ये आपका जो है रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, और ये आपका रेड सी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये उसकी जो है फुल डिटेल है, जो ग्रैंड डैम डिवाइड अफ्रीकन नेशन को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसके बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट ओरिजिनेट्स एट बुरुंडी साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर उसमें नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बता रहे थे, तो इवेंचुअली फ्लोइंग थ्रू इजिप्ट एंड फाइनली मर्ज टू मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पे है, यहाँ पे होना चाहिए इसको, ठीक है। आप जो देख लेना मैप, इस पर थोड़ा क्लियर नहीं है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट रिवर लाइन जो है मेडिटेरेनियन सी पे डेल्टा बनाती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। देन आपका थर्ड है जो है रेजोनेंस डैम जो है ब्लू नाइल पे बना, वो मैंने मैप पे दिखा दिया, ठीक है। तो कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ओहो थोड़ा देखने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, चलो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो वाटर डिस्प्यूट है उसके लिए मैंने मेंस में भी आपको पीछे 2-3 दिन पहले मैंने ना टॉपिक डाला था, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वो करता है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्रिब्यूनल के लिए एक्ट करता है। देन सेकेंड है इसमें जो है डिस्प्यूट्स ऑफ पार्टी नॉट बाइंडिंग विद द डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल जो है बाइंडिंग डिस्प्यूट ऑफ पार्टी के बाइंड नहीं करता, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग द पार्टीज डिस्प्यूट। देन थर्ड है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हैव ज्यूरिस्डिक्शन। तो तीनों पॉइंट मैंने, मुझे याद है कि मैंने उसमें एलाबोरेट किए, उसके 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स थे बेसिकली, एक इसमें स्किप हो गया। फर्स्ट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कि ट्रिब्यूनल बना सकती है किसी भी दो कंट्री स्टेट्स के जो डिस्प्यूट होते हैं वोटर, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है जब इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट उसको सॉल्व ना करे, देन ट्रिब्यूनल के पास जाता है मैटर, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसे कोई जो है वो जुडिशरी के लिए जो है उसके लिए जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। फोर्थ सुप्रीम कोर्ट जो है इनके डिसीजन में ऑल्टर नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें नोट वाला जो है सेकेंड वाला ऑप्शन वो गलत है, बाकी फर्स्ट जो है इसमें गवर्नमेंट
सेटअप कर सकती है, मैंने बता दिया आपको। देन थर्ड है इसमें डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, तो वो फाइनल डिसीजन होता है उसका। देन थर्ड है सुप्रीम कोर्ट डू नॉट हैव द, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकती जो डिसीजन के लिए, ठीक है। तो ये है इसके फर्स्ट एंड थर्ड का इसका सही आंसर है। सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, फर्स्ट सही है यानी। तो द डिसीजन ट्रिब्यूनल इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ पार्टी इन डिस्प्यूट, मैंने कहा ना उसका डिसीजन फाइनल होता है, तो सेकेंड जो इसमें गलत होगी क्योंकि उसमें नो लिखा है। देन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट जो इसमें कोई जो है चैलेंज नहीं कर सकती है, तो थ्री जो सही है, 1 और 3 इसके सही है। सो गाइज ये था एडवर्टोरियल जो है, आई गेस आपको जो है पता लग गए होंगे कि ये बेसिकली अभी ये 3 4 दिन के करंट अफेयर्स हैं जो कि यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं नहीं चाहता कि आप जो है कोई ऐसी वीडियो देखें जिसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ ना हो। सो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें, पर आपको अगर लगता है कि जैसे कि मैं आपको शुरू में बताता हूँ, मेरे चैनल पे सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के आते हैं एंड ट्रिब्यून के आते हैं, ट्रिब्यून वो भी स्टेट पीसीएस के लिए आते हैं जो कि हिमाचल के लिए मैं फॉलो करता हूँ, जो कि मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल से इसलिए, और जो यूपीएससी के लिए, तो मैंने यूपीएससी के लिए आपको बता दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अलावा मैं कोई किसी भी और जो है उस पर नहीं जाता हूँ, नो न्यूज़पेपर एंड नो एनी अदर साइट। सो अगर आपको अच्छा लगा ट्यूटोरियल मेरा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है इंडियन एक्सप्रेस की सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज मिले, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप इन्जॉइंग योर लाइफ।